दिवाली के बाद से ही राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल से बाहर है, जिस पर न तो दिल्ली सरकार और न ही केंद्र सरकार कोई एक्शन लेती नजर आ रही है। प्रदूषण की इस बदतर स्थिति पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। एनजीटी ने सरकार से पूछा है कि आखिर प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर 6 गुना ज्यादा है। एनजीटी ने इस हालात की तुलना आपातकाल से करते हुए कहा है कि केंद्र, दिल्ली सरकार और अन्य प्राधिकार को बढ़ते वायु प्रदूषण की तथा दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्परिणाम की कोई परवाह नहीं है और एक दूसरे पर दोष मढ़ने का काम हो रहा है। एनजीटी के अध्यक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य प्राथमिक चिंता की वजह है। पीठ ने दुख जताया कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का चलन रोकने के लिए दिल्ली सरकार को दिए गए उसके आदेश को समुचित तरीके से लागू नहीं किया गया। गौरतलब है कि नवंबर के महीने में इतनी कम विजिबिलिटी पिछले कई सालों में नहीं रही। हवा में प्रदूषण की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इससे कई गंभीर रोग हो सकते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।